बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। आपके अपने चैनल अल केमिस्ट में आपका केमिस्ट सजाद अहमद हाज़िर खिदमत है। 1000 बिज़नेस आइडियाज़ वीडियो सीरीज़ की नेक्स्ट वीडियो में टाइल क्लीनर्स, फ्लोर क्लीनर्स की सीरीज़ पे हम बात कर रहे थे। कुछ फ्लोर क्लीनर और टाइल क्लीनर हमने पहले भी बना के दिखाए, तो आज एक नए टाइल क्लीनर की फॉर्मूलेशन के साथ हम हाज़िर खिदमत हैं। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर ज़रूर कर लें कि एक तो आपको भी अपडेट मिलता रहे और आपके कोई जानने वाले नए जो इस बिज़नेस में आना चाह रहे हैं, जो अभी हमसे फैमिलियर नहीं है, हमारे चैनल से फैमिलियर नहीं है, उन तक भी हमारी आवाज़ जाती रहे कि कैसे हम लो कास्ट के ऊपर छोटे छोटे बिज़नेस आइडियाज़ प्रोवाइड कर रहे हैं और उसकी प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दे रहे हैं। और दूसरा इजाफी ये है कि अगर आपको मेरी किसी भी फॉर्मूलेशन में अगर कोई चीज़ समझ ना आए, पहले तो अल्हम्दुलिल्लाह हम उसको बिल्कुल कोशिश करते हैं कि सिंपल एज़ पॉसिबल करके कि कोई भी किसी लेवल का भी आदमी अगर उसको देखे तो वो बड़े आराम से ये चीज़ें घर में बना ले। और अगर फिर भी कोई मसला आए तो आप हमारी वीडियो पे जा के कमेंट भी कर सकते हैं और वीडियो में हमारा मोबाइल नंबर भी अवेलेबल है, उस पर भी आप रब्ता कर सकते हैं। कराची मेरी लोकेशन है, जो लोग अगर कराची में हैं तो जितना मुझे मालूम है वो आ सकते हैं, आके बैठ के हम डिस्कस कर सकते हैं, उनके हाथ से भी हम उनको ये वाली चीज़ बनवा के दिखा सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो या इसके अलावा कोई प्रोडक्ट आप लोग बना रहे हैं और उसमें कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप हमसे शेयर करें, हमें मालूम नहीं होगा तो हम उसको सर्च करके कहीं से पूछ के कहीं से भी इंशाल्लाह उसका कुछ सोल्यूशन निकालने की कोशिश करेंगे। अब हम अपनी फॉर्मुलेशन की तरफ आते हैं टाइल क्लीनर की। तो हमने वज़न कर लेना है, पानी हमने लेना है इसमें 400 मिलीलीटर या जी ये 400 ग्राम पानी हमने इसमें डाल दिया। और अब नेक्स्ट चीज़ इसके अंदर हमने डालनी है फास्फोरिक एसिड, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है और ये इसके अंदर हमने स्लोली स्लोली डालना है। ये कोई भी सेफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आपको बता दें कि कभी भी हमने पानी को तेज़ाब के अंदर, एसिड के अंदर, कोई एसिड भी वो नहीं डालना होता, एसिड को पानी के अंदर डालना है। और उसको भी कोशिश करें कि इस तरीके से डालें कि पानी के अंदर डायरेक्ट वो ना जाए। अब ये जैसे हम इसको डाल रहे हैं वाल के साथ से, तो ये इसकी किसी भी एसिड को हैंडल करने की ये होती है। 7.5 ग्राम हमने ये इसके अंदर ये ऐड कर लिया, 400 ml हमने पानी लिया और 7.5 ग्राम इसके अंदर हमने फास्फोरिक एसिड, और इसको अब हमने मिक्स कर दिया। नेक्स्ट इसके अंदर हमने डालना है EDTA। अच्छा, EDTA डाई सोडियम, एक होता है टेट्रा सोडियम, हमने टेट्रा सोडियम नहीं डालना। टेट्रा सोडियम की केमिस्ट्री जो है वो अल्कलाइन साइड की होती है, उसकी pH ज़्यादा होती है। अगर हम यहाँ इस वक्त अल्कलाइन साइड वाला कोई भी केमिकल इसके साथ मिलाएंगे, एसिड बेस रिएक्शन होके ये अपनी एफिशिएंसी खो देगा, ये प्रोडक्ट बिल्कुल किसी काम का नहीं रहेगा, वहाँ साल्ट बन जाएगा और ना हमारी टाइल साफ़ होगी ना हमारा फ्लोर साफ होगा। तो डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA, डाई सोडियम साल्ट, ये नॉर्मली मार्केट में डाई सोडियम ही सेल होता है, लेकिन हम इसको इसको इंशाल्लाह मेंशन भी कर लेंगे। डाई सोडियम साल्ट ऑफ EDTA जो है वो हमने इसके अंदर 100 ग्राम जो है वो ऐड करना है। ये हमने वेट करके वैसे रखा हुआ भी है और इसको हम हल कर लेते हैं। मिक्सर भी हम यूज़ कर लेंगे और ये 100 ग्राम थोड़ा इसको जल्दी हल करने के लिए हम इसमें मिक्सर इस्तेमाल कर लेते हैं, ये जल्दी डिज़ोल्व हो जाए। जी EDTA हमने इसमें डिज़ोल्व कर लिया और ये 50 ग्राम हमने डाला था, वैसे 100 ग्राम मुँह से निकल गया। फॉर्मुलेशन पहले हमने डिज़ाइन की थी 1 लीटर के लिए तो वो 100 ग्राम था, लेकिन डाला हमने चूँकि ये 400 ml लिया हमने, 800 ml पानी नहीं लिया, तो EDTA हमने इसके अंदर 50 ग्राम डाला। नेक्स्ट इसके अंदर सोडा ऐश हमने डाई से 3 ग्राम हमने डाल लेना है, डाई से 3 ग्राम सोडा ऐश, इससे भी आपको पता है बहुत अच्छी क्लीनिंग होती है। ये तकरीबन 3 ग्राम ये हमें इसमें डाल दिया, इसको भी हल कर लेते हैं।
इसके अंदर हमने एथॉक्सिलेट है, ये बहुत अच्छा क्लीनिंग एजेंट है। अगर एथॉक्सिलेट्स किसी को अवेलेबल ना हो तो शैम्पू बेस भी इसमें डाला जा सकता है। नोनाइल फिनोल एथॉक्सिलेट, नोनाइल फिनोल एथॉक्सिलेट मेरे पास अवेलेबल था, ये भी बहुत थोड़ा, 1 ग्राम 2 ग्राम हमने डालना है, थोड़ा सा सर्फेक्टेंट का टच इसमें देने के लिए। अगर किसी के पास एथॉक्सिलेट नहीं है तो वो 1-2 ग्राम शैम्पू बेस भी इसमें डाल सकता है। बस ये 1-2 ग्राम हम इसमें ये डाल दिया, अंदाज़ा नहीं डाल दिया हमने, इसको मिक्स कर लेते हैं। प्रोडक्ट हमारा रेडी है और अच्छी डिटर्जेंसी के साथ, अच्छी सफाई के साथ, और अब फाइनल इसके अंदर अब कलर और खुशबू देने का ही टाइम है। कलर इसमें मैं ग्रीन सा एक टच दे देते हैं, लाइट ग्रीन सा। और अपनी पसंद की कोई खुशबू, मेरे पास एस्काडा इस वक्त पड़ी हुई है, बहुत अच्छी मुझे लगती है। ये मैं हैंड वॉश वगैरह में भी नॉर्मली देता रहता हूँ। तो फ्लोर क्लीनर में ये दी जा सकती है, लेमन बेस दी जा सकती है, वो आपकी मर्ज़ी, जो कलर जैसे आप पसंद करें। तो ये बहुत अच्छी खुशबू इस वक्त इसकी आ रही है, और ये थिक नहीं होगा, इसको थिक करने की हमें ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमने फास्फोरिक एसिड डाला है। अब ये फास्फोरिक एसिड ऐसा एब्रेसिव एसिड, ऐसा स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है जैसे सल्फ्यूरिक एसिड या नमक का तेजाब है, तो इससे हमारी टाइल की सरफेस, उसको भी नुकसान नहीं होगा। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नई बिज़नेस आइडिया वीडियो के साथ। बस अल्लाह से दुआ कि अल्लाह पाक आसानी वाला मामला फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।